जहाज बंडा पे हैं और कल शाम को हम यहाँ पर पहुँचे थे। शदीद मौसम ख़राब था, कंटिन्यूस कोई 5-6 घंटे बारिश हुई है और उसके बाद हम इस होटल में ठहरे थे। फ्रेंड होटल बड़ा ज़बरदस्त यहाँ का माहौल था और होप यही कर रहे थे हम लोग के अगले दिन बारिश ना हो ताकि हम जो हमारा डेस्टिनेशन है कटोरा लेक हम वहाँ पर पहुँच सकें। तो अलहमदिल्ला मौसम बड़ा अच्छा है, धूप निकल चुकी थी, हमें बहुत ज़रूरत थी। तो अब वो हमारे कपड़े भीग गए थे तो हम थोड़ा सुखा के 9:15 पे यहाँ से निकल गए। ठीक, हमारे रिपोर्टर और बाप साहब भी हमारे साथ हैं, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें और अब हम जाते हैं दिशान भाई की तरफ। दिशान भाई आप क्या कहना चाहेंगे? दिशान हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होगा, लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमें यहाँ पे कोई कैंप नहीं मिल रहा था और बारिश शदीद हो रही थी, हमारे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। दिशान तकरीबन 7 घंटे की ट्रैकिंग करके आए थे। अभी हमें किस तरफ जाना है दिशान, कुछ बताएंगे आप हमें? अभी हम लोग जा रहे हैं कटोरा लेक की तरफ जा रहे हैं, कटोरा लेक हम लोग कवर करेंगे। ये अभी माद आ रहे हैं, माद आप क्या कहेंगे आज की बात? हाँ, एक्चुअली थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई है, हम कल शाम में 6 बजे पहुँच गए थे लेकिन बारिश इतनी शदीद थी कि हम मतलब वीडियो बना नहीं सकते थे। तो आज ही सुबह वीडियो बना रहे हैं और हमारा अभी ट्रैक शुरू होगा कटोरा लेक की तरफ। सामने देखे हैं बर्फ़, बिल्कुल शाम में बिल्कुल भी नहीं था वहाँ पर, रात इतनी बर्फबारी हुई कि सारे पहाड़ से हो गए हम तक और गिरंगी आप तो आपसे तो मत रहिए। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर है, मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेज इन पाकिस्तान दिस इज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, ये हमारा आज जहाज बंडा से हमारा ट्रैक स्टार्ट हो रहा है कटोरा लेक के लिए, जहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बहुत रेन हैवी रेन को हम लोगों ने फेस किया है और उसके बाद इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा हमें मौसम दिया है और हम आगे की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।